साउंड एंड लाइट एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को आज़ाद नगर में स्थित एक लान में अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की और कहा कि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है तभी से डीजे का व्यापार पूरी तरह से बंद है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में केंद्र सरकार ने कुछ व्यापार पर प्रतिबंध हटा लिया और धीरे धीरे कुछ आवश्यक कार्यों को करने की अनुमति दे रही है। इसी के तहत 21 सितंबर को एक गाइडलाइन जारी होगी जिसमें 100 लोगों को कार्यक्रम में बैठने की अनुमति दी है, लेकिन साउंड एवं लाइट और इससे जुड़े लोगों की संख्या 100 से 150 हो जाती है। इसलिए हम साउंड एवं लाइट एसोसिएशन के सदस्य केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि संख्या बढ़ाकर 400 किया जाए और शासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करते हुए अपने कार्यों को करेंगे। इस मौके पर भरत, विक्की, राजकुमार, मनीष, मुकुल महामंत्री, संतोष कुमार मुन्ना और बाकी कारोबारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए साउंड एवं लाइट एसोसिएशन के महामंत्री संतोष कुमार ने कहा, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं गोरखपुर साउंड लाइट संस्थान के महामंत्री हूँ। आज हम लोग मधुर सहनाई मैरिज हाउस में सारे लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य, जो भी सभी मेरे दुकानदार भाई, साउंड एंड लाइट एसोसिएशन जो हमारा संस्था है उसके अंतर्गत हम लोग आज एकत्रित हुए, जो कि हम लोग को आज कोरोना काल कोविड-19 में जो भी हम लोग के व्यापार पे इतना भारी संख्या में एक क्षति पहुंची है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारी एक मानक है 300 से 400 की, उसको सरकार एक अनुमति प्रदान करें जिससे हम लोग जितने भी साउंड और लाइट का जो सजावट का काम करते हैं वो सारे कामों में कोई बाधा ना आए। इसलिए कस्टमर को हित को देखते हुए इस संस्था ने आज यहाँ पे एक छोटी सी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मानव श्रृंखला बना के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और इसको देख के हम लोग जो है आगे के कार्यक्रम के लिए एक रणनीति तय कर रहे हैं कि सरकार हमारी भी सुने। हम लोग हो गए हैं बेरोजगार। अभी 21 तारीख तक गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें 100 लोग को अनुमति दी गई है। सर, 100 लोगों की जो गाइडलाइन मिली है उसका तो हम लोग पूरा पालन कर ही रहे हैं, उससे हम लोग का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग ने सरकार से गुहार लगाई है कि कम से कम 400 से 500 की एक गाइडलाइन हम लोग की ज़रूरी है। इस नाते उसको सरकार हमारी सुन ले कि ताकि आगे चल के हमारा ये काम बाधित ना हो और फले फूले। इसके लिए सरकार से मैं कर्तव्य निवेदन करता हूँ कि इसकी अनुमति जल्द से जल्द दी जाए।